छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स के छापों पर सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजभवन में गवर्नर से मिले और मामले की शिकायत की। सीएम बघेल ने कार्रवाई राजनीति से प्रेरित बताई और राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ भी बताया। तो बीजेपी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इस मामले में बिल्कुल भी राजनीति नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। यहाँ छापे की कार्रवाई हो रही है, शासकीय अधिकारियों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। लगभग कल 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। संघीय ढांचा है, 36 घंटे बीत गए हैं, राज्य सरकार को ना कोई जानकारी ना किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए और यदि अमरजीत सिंह जी किसी के पक्ष में खड़े हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि साहब गलत क्या है और सही क्या है, उसको जांच एजेंसी बन जाना चाहिए मंत्री पद छोड़कर। इसलिए सही बयान ये है कि एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए।